इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी वोल्ट्रोनिक की डिजाइन प्रोडक्ट है। अब इस साल इस कंपनी ने काफी सारी चेंजिंग्स की, अपनी एक हाइब्रिड सीरीज लॉन्च की है। इन सब इन्वर्टर्स पे आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, इनमें आपको डुअल आउटपुट वाईफाई, नेट मीटिंग, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। Assalamualaikum viewers, मैं हूं ज़कार रहमान और आप देख रहे हैं FBL Electronics। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट कंपनी लेटेस्ट इन्वर्टर्स के साथ मार्केट में आई है, उन इन्वर्टर्स के बारे में आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी होती है, कॉन्टेक्ट करते हैं। इसके ऊपर हमारा सिंपल आंसर होता है कि जो चीज़ें हम यूज नहीं करते उनका ना हमें एक्सपीरियंस होता है और ना ही उनके बारे में हम कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ना ही सोल्यूशन होता है। हमारा काम टेक्निकल एनालाइज करके उनको अपलोड करना है। अब उसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई फॉल्ट फेस कर रहे हैं तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करें। हमारे पास ना तो उसका सोल्यूशन है, ना हम किसी कंपनी का रिप्रेजेंटर हैं और ना हम उसको आपको सॉर्ट आउट करके दे सकते हैं। हमारा काम जस्ट एक टेक्निकल एनालाइज, वो भी आप लोगों के लिए करना, ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रोडक्ट की चाहिए तो वो आपको इस वीडियो से मिल जाए। अदरवाइज हमारा ना कंपनी के साथ कोई लेना देना है ना किसी इन्वर्टर के साथ कोई लेना देना है। हमारा लेना देना सिर्फ इस चीज से है कि हमें जो लोग देख रहे हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट की टेक्निकली मिल जाए, उनकी अप्रोच में आ जाए, ताकि उनके लिए कुछ चीजें आसान हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये नॉक्स कंपनी के इन्वर्टर्स हैं और पहले आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर देखे होंगे इस कंपनी के मार्केट में, जो कि ऑलमोस्ट 2-3 साल से मार्केट में चल रहे हैं और काफी पॉपुलर भी हो चुकी है ये कंपनी। अब इस साल इस कंपनी ने काफी सारी चेंजिंग्स की, अपनी एक हाइब्रिड सीरीज लॉन्च की है जिसमें ऑफ ग्रिड सीरीज भी आ जाती है और इसके अलावा इसमें आपको हाइब्रिड सीरीज भी मिल जाती है और हाइब्रिड में IP65 भी मिल जाती है। अब जो ऑफ ग्रिड सीरीज है इनकी वो ऑर्गोन के नाम से है, जो कि जस्ट आपका विदाउट वापडा सोलर और बैटरी पे काम करता है। ये वापडा भी कर सकते हैं लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें नेट मीटिंग नहीं हो सकती। उसमें एक इनका 1.2 किलोवाट है, 2.5 किलोवाट है और 5 किलोवाट है, ये रेंज आ रही। इसके अलावा सेकंड सीरीज इनकी क्रिप्टॉन की सीरीज है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब हाइब्रिड के ऊपर आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। अब और जो क्रिप्टॉन सीरीज है इसमें एक 6 किलोवाट का मॉडल है, एक 8 किलोवाट का मॉडल और एक 11 किलोवाट है। 6 किलोवाट पे आप 7.5 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं, 8 किलोवाट पे आप 11 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं और 11 किलोवाट पे आप 13 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं। इन सब इन्वर्टर्स पे आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इन पे आप इनके अंदर आपको डुअल आउटपुट भी मिल जाती है और वाईफाई भी मिल जाता है। इसके अलावा इनकी जो थर्ड सीरीज है हाइब्रिड में IP65, अब वो सीरीज इनकी 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, ये डिफरेंट सीरीज आएगी। 6 किलोवाट IP65 सिंगल फेज है, 8 किलोवाट IP65 वो भी सिंगल फेज है, फिर 10 किलोवाट में आएगा वो 3 फेज है और 15 किलोवाट वो भी 3 फेज होगा। ये IP65 सीरीज है और इसके अलावा इनमें आपको डुअल आउटपुट वाईफाई, नेट मीटिंग, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इस कंपनी की जो सबसे बेहतर एक खूबसूरत चीज है वो ये है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी वोल्ट्रोनिक की डिजाइन प्रोडक्ट है और वोल्ट्रोनिक वो कंपनी है जो कि मोस्टली इन्वर्टर इन्वेंट करने वाली कंपनी और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वर्टर्स हैं वो वोल्ट्रोनिक कंपनी के। तो इस कंपनी के सारे इन्वर्टर जो इन्होंने डिजाइन करवाए हैं वो वोल्ट्रोनिक से डिजाइन करवाए हैं। इनकी तमाम सीरीज के इन्वर्टर जो IP20 है, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड, उनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और जो IP65 सीरीज है उसकी आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। बाकी आगे आपको इसका इन सीरीज जो ऑर्गन सीरीज है ऑफ ग्रिड, क्रिप्टॉन हाइब्रिड और जीनॉन जो IP65 सीरीज है, इनके इलेक्ट्रिकल डेटा और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी ये ऑर्गन सीरीज है जी नॉक्स कंपनी की, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो मैं आपको बता रहा था, 1.2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट। ऑफ ग्रिड बेसिकली उन इन्वर्टर्स को कहा जाता है जो नेट मीटिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको विदाउट ग्रिड बैटरी और सोलर पे चला सकते हैं, जो कि नॉर्मली ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत समझ लें टाइम से चल रहा है और ये एक बेसिक और समझ लें कि स्टार्टिंग में आने वाली टेक्नोलॉजी है।
लेकिन इनमें जो सबसे मेन बेनिफिट आपको ये होता है कि इन इन्वर्टर्स में आपको रियल टाइम शेयरिंग भी मिल जाती है। आगे इनके अगर बात कर ली जाए टेक्निकल डाटा के बारे में, 1.2 किलोवाट बेसिकली 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग के साथ आता है, 2.5 किलोवाट 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में आता है, और 3 किलोवाट भी 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में आता है, और 5 किलोवाट 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में आता है। 12 वोल्ट के साथ एक बैटरी लगती है, 24 वोल्ट में आप दो बैटरीज लगानी पड़ती हैं, और 48 वोल्ट में आपको चार बैटरीज लगानी पड़ती हैं। आप इसको विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें कंडीशंस ये आ जाती हैं जो मोस्टली कस्टमर्स की क्वेरीज भी आती हैं कि यार हमने ये इन्वर्टर लगाना है विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा, तो वो तब तक चलता है जब तक आपका लोड अंडर प्रोडक्शन हो, यानी कि सोलर के प्रोडक्शन से कम हो, अदरवाइज उसमें वेरिएशन फ्लक्चुएशन होती है तो वो उसको बंद करवा देगा। इसके अलावा अगर इसमें बात कर लीजिए इनके सोलर चार्ज कंट्रोलर्स की, तो इन सारे इन्वर्टर्स में आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। जो 1.2 किलोवाट है इसमें आपको 1500 वाट का चार्ज सोलर कैपेसिटी मिलती है, और जो 3 किलोवाट और 2.5 किलोवाट है इसमें 3 किलोवाट और 3500 वाट की कैपेसिटी मिल जाती है, और 5 किलोवाट में 5500 वाट। और इनकी जो चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज रेंज है वो 60 वोल्ट से 400 वोल्ट और 120 वोल्ट से 450 वोल्ट है, और इनके ऊपर आप 18 एम्पेयर तक का पैनल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 13 पे अभी लेटेस्ट जो पैनल्स चल रहे हैं आप वो इन इन्वर्टर्स के ऊपर पैनल लगा सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा इस इन्वर्टर की आपको 1 ईयर की कंपनी की तरफ से वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आगे क्रिप्टॉन सीरीज की, क्रिप्टॉन सीरीज इनकी हाइब्रिड सीरीज है। अब हाइब्रिड बेसिकली हम उन इन्वर्टर्स को कहते हैं जिनमें नेट मीटरिंग होती है, अदरवाइज कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इसको ऑन ग्रिड एनर्जी स्टोरेज बोला जाता है कि जो नेट मीटरिंग भी कर सकता है और आपकी बैटरी को स्टोर कर सकता हो पावर। इसमें आपको वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, डुअल आउटपुट देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा इसमें आपको BMS देखने को मिल जाता है। BMS का बेसिक फंक्शन जो मोस्टली लिथियम बैटरीज होती हैं उनको आप इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाईफाई के साथ इसको ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इस इन्वर्टर की अगर बात कर ली जाए सोलर कैपेसिटी की, तो इसमें 7.5 किलोवाट तक के आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और 120 वोल्ट से 450 वोल्ट तक इसकी ऑपरेटिंग है, और 500 वोल्ट मैक्सिमम VOC है। इन्वर्टर की जो एक्चुअल आउटपुट है वो 6000 वाट है। PV इनपुट करंट की बात की जाए तो 27 एम्पीयर इनपुट करंट इस चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी है, और इसके ऊपर भी आप हर टाइप का सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में आता है, इसको आप विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं और नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, विदाउट बैटरी विदाउट वापडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे कि आपने इसका इसके ऊपर लोड प्रोडक्शन से कम रखना है तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। इसकी भी 1 ईयर वारंटी मिल जाती है, लेकिन क्रिप्टॉन सीरीज के PV7500 में आपको वाईफाई बिल्ट इन, डुअल आउटपुट बिल्ट इन मिल जाती है। इसके अलावा इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टॉन सीरीज में इनका PV11000 और PV13000 है, ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, वाईफाई बिल्ट इन है, डुअल आउटपुट है, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा इसमें भी आपको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS देखने को मिल जाता है, और नए डिस्प्ले और नए डिज़ाइन में भी ये इन्वर्टर आ रहा है। टेक्निकल डाटा की बात करें तो जो PV11000 है वो बेसिकली 8 किलोवाट का मॉडल है, और जो PV13000 है वो 11 किलोवाट का मॉडल है। और इसके अलावा जो PV11 किलोवाट है इसके ऊपर आप 11000 के पैनल्स, 27 एम्पीयर के दो चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं आपको, और जो PV13000 है उसमें आप 13000 वाट के पैनल और उसमें भी आपको 27 एम्पीयर के दो चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं। इनकी कैपेसिटी इस वजह से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें डबल MPPT चार्ज कंट्रोलर है और 27 एम्पीयर की इनपुट करंट है। इस पर आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, इसको विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको डुअल आउटपुट बिल्ट इन देखने को मिल जाती है, वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, और नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीरीज है इनकी ज़ेनॉन सीरीज है, ये IP65 है, और IP65 जो कि वाटरप्रूफ इन्वर्टर होता है, 100% मेंटेनेंस फ्री होता है, रस्ट फ्री डस्ट फ्री इन्वर्टर्स होते हैं। इस इन्वर्टर में भी आप हाइब्रिड इन्वर्टर है, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं।
वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, डुअल आउटपुट देखने को मिल जाती है, इसके अलावा बैटरी BMS भी मिल जाता है, विदाउट बैटरी भी काम करता है ये IP65 इन्वर्टर। 8 किलोवाट की रेंज में जो नॉर्मली IP65 आपको देखने को मिलते हैं, ये 6 किलोवाट वो विदाउट बैटरी एज ए ऑन ग्रिड फंक्शन करते हैं, लेकिन ये वोल्टोनिक का डिजाइंड इन्वर्टर है तो इसको आप विदाउट बैटरी विदाउट वापडा भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आउटपुट भी देता है IP65 में। आगे अगर इसके टेक्निकल डाटा की बात कर ली जाए तो ये 8000 वाट आउटपुट के साथ ये इन्वर्टर आता है, सोलर कैपेसिटी इसकी 11000 वाट है और इसकी जो AC आउटपुट पावर है वो 6000 वाट है। इसके अलावा 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग के साथ आता है, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, ड्राई बैटरीज, ट्यूबुलर बैटरीज, हर टाइप की बैटरी लगा सकते हैं। लिथियम के लिए BMS बिल्ट इन है, लिथियम को इसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, थ्रू आउट वाईफाई भी आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर आपको डुअल MPPT देखने को मिल जाता है, जो कि 18 एम्पेयर की PV इनपुट करंट के साथ आता है, 500 वोल्ट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और दोनों चार्ज कंट्रोलर्स पे आप 5500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर साइज की बात की जाए तो हर साइज का पैनल आप इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं, Xenon IP65 8 किलोवाट पे, जो कि 11 किलोवाट सोलर कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, बाकी IP20 जितने भी हैं उनकी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो आज की वीडियो बेसिकली नॉक्स सीरीज के जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सारे इन्वर्टर्स के बारे में कुछ इनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ये इन्वर्टर किस तरह के हैं। तो इन इन्वर्टर्स को ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट कंपनीज के नाम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैक्स पावर है, इन्वरएक्स है, टेस्ला है, क्राउन है, सोलर मैक्स है, वो भी वोल्ट्रॉनिक से ही इन्वर्टर लेके आ रहे हैं और ये भी वोल्ट्रॉनिक के ही डिजाइन इन्वर्टर है। अब जो ऑर्गन सीरीज है इनकी ऑफ ग्रिड सीरीज, ये आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ मिलते हैं, हर टाइप का पैनल भी लगा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जो इनकी क्रिप्टॉन सीरीज है, जिसमें आपको 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट देखने को मिल जाता है, जिनमें आपको बैटरी BMS बिल्ट इन देखने को मिलता है, डुअल आउटपुट मिलती है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई मिल जाता है, इसकी भी आपको 1 ईयर की कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है। थर्ड सीरीज इनकी Xenon सीरीज है, IP65 है, वो भी हाइब्रिड है, ये 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 और 15 किलोवाट में, और फिलहाल स्टॉक 8 किलोवाट का है। इसकी आपको 2 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी मिलती है, इसको भी विदाउट बैटरी यूज़ कर सकते हैं, नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, वाईफाई बिल्ट इन है, डुअल आउटपुट बिल्ट इन है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है लिथियम के लिए और IP65 इन्वर्टर है। तो आज की ये वीडियो बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिकल डाटा के बारे में और इनके स्पेक्स के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।